होगा नई तालीम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर टीचिंग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। कहने को बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर टीचिंग एग्जाम के लिए या फिर कहें किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में जितनी भी जीके आती है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है, कुछ पता नहीं होता कब कहाँ से उठकर कौन सा टॉपिक वहाँ पर टकरा जाए। तो आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग गांधी जी की नई तालीम के बारे में। पहले देखते हैं कि इसके और क्या क्या नाम है। इसका नाम है बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, नई तालीम, बुनियादी तालीम या वर्धा योजना। अब इसको वर्धा योजना क्यों कहा गया, क्योंकि वर्धा नामक स्थान पर ही यह बैठक हुई थी तो इसीलिए इसका नाम वर्धा योजना भी पड़ गया। और 23 अक्टूबर 1937 में इसकी बैठक का आयोजन हुआ था और इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी और वर्धा नामक स्थान पर की गई थी। जो बैठक आयोजित हुई या फिर यूं कहे जो सम्मेलन आयोजित हुआ उसका नाम था अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन। इसमें बड़े बड़े शिक्षाविदों ने भाग लिया था ताकि भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया जा सके। अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्या एम थे। तो पहला एम था मातृभाषा में शिक्षा। मातृभाषा में शिक्षा ये कोई नया शब्द नहीं है सुनने के लिए, 1986 वाली पॉलिसी के अंदर भी इसकी बात की गई है, 1968 वाली पॉलिसी के अंदर भी सेम बात की गई है, NCF 2005 के अंदर भी सेम बात की गई है, लेकिन उन सब के अंदर ये मातृभाषा में शिक्षा वाली बात ली कहाँ से गई, यहीं से गांधी जी की नई तालीम से ही ये मातृभाषा में शिक्षा का टॉपिक जो था वहां से ही अडॉप्ट किया गया है हर एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। सेकंड है राष्ट्रव्यापी निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा। निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की बात जो है RTE 2009 के अंदर भी की गई है, लेकिन उसके अंदर भी इन शब्दों का इस्तेमाल कहाँ से लेकर किया गया, गांधी जी की नई तालीम से लेकर किया गया। यहाँ पर एक शब्द और जुड़ा हुआ है राष्ट्रव्यापी। राष्ट्रव्यापी का मतलब होता है नेशनल लेवल पर, यानी कि राष्ट्र स्तर पर इस योजना को लागू किया जा सके। और एक बात और, यह योजना जो थी 7 वर्ष तक के बालकों के लिए थी। नेक्स्ट पॉइंट है हैंडीक्राफ्ट्स एंड प्रोडक्टिव स्किल्स। हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है हस्तशिल्प, उन्होंने हस्तशिल्प के उपयोग पर जोर दिया, तथा प्रोडक्टिव स्किल्स यानी कि उत्पादक कौशल जो होते हैं एक बच्चे के, उन पर जोर देने की बात कही गांधी जी ने। हस्तशिल्प के माध्यम से क्या हो, लघु उद्योग खोले जाए, भारत में छोटे छोटे उद्योग खुलने लगे और कहीं ना कहीं जो है अर्थव्यवस्था का विकास हो। और दूसरा है प्रोडक्टिव स्किल्स यानी कि उत्पादन क्षमता बढ़े हमारे देश की और बेरोजगारी समाप्त हो, खुद ही बच्चा अपना कुछ इन्वेंट कर सके। तो ये था सारा सारांश जो हमने प्रस्तुत किया वर्धा योजना के बारे में, बुनियादी शिक्षा के बारे में। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।